काम खराब हो जाता है। इतनी बात तो आपको क्लियर है, हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, बस ये गिवन है। अब हमें जो गिवन है वो साइन में है और जो वैल्यू पूछ रहा है जिसका वो कॉस में है, तो सीधा सीधा सा समझ में आ गया कि जो गिवन है उसे कॉस में बदल दो, ये है ना जी, बताइए कॉस में बदल दो, तो हमें डायरेक्शन मिल गया। अब क्वेश्चन आता है कि कॉस में बदलूं कैसे, कॉस में तो सिर्फ ये बदल सकता है, अरे बदल सकता है yes, sir, मैंने थोड़ा ऐसे किया था और ये बदल नहीं सकता yes, बिल्कुल sir. और इसको बदलना जो है वो भी पॉसिबल है, साइन ए को भी बदलना, तो थोड़ा आसानी से करते हैं। अच्छा एक हाँ ऐसे कर लेते हैं, देखो ये साइन ए है, अरे है, और इस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते, अरे बोलो यस सर, इज इक्वल टू वन, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, इसी में से ये इधर उधर करने पे ये आता है, अरे पता है यहाँ से सबको, साइन स्क्वायर इधर रख लोगे तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अरे बोलो हो जाएगा yes. ओके दिख रहा है ना, दिख तो रहा है, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, कोई नहीं, तो यहाँ देख लो, यहाँ साइन ए आ गया प्लस ये कितना आ गया आपका बताओ, ये तो वन माइनस ये कॉस स्क्वायर ए बच गया इधर वन, देखो ये वन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस वन, ये हो जाएगा उधर जाके माइनस वन, एक मिनट रुक जाओ पूरा रिकॉर्डिंग रोको, कुछ और भी ऑप्टिमाइजेशन करत नहीं है। चलिए तो हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ से ये तो साइन ए बचा प्लस इसको खोल दिया हमने ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट लगाने का वैसे कोई लॉजिक भी नहीं था, प्लस है तो देखो जो प्लस था ये वन वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा यस सर, कॉस स्क्वायर है इधर रख लिया वन और ये वन इधर ले जाके चला गया, तो ये तो सीधा जीरो हो गया, तो साइन ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बच गया। अब देखो ध्यान से गौर से देखिए आप, कॉस स्क्वायर को उधर लेके चला जाऊं तो मुझे कॉस स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, अरे दिख रहा है यहाँ कॉस स्क्वायर, हमें कॉस स्क्वायर दिख गया, तो मैंने साइन ए को इधर रख लिया, आप बोलोगे कॉस स्क्वायर इधर रख लो तो थोड़ा माइनस का इधर उधर है इसलिए मैं उधर कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्लस हो जाएगा सीधा जाके, अरे क्लियर है यस सर यस, तो हमारे पास कॉस स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो बड़ा सिंपल है। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन जो भी है आपके पास, क्या प्रूव करना है हमें, कॉस स्क्वायर ए भाग जा कॉस फोर ए, यही है, अब आपको दिख रहा है ये भी तो स्क्वायर का फॉर्म है, नहीं ये भी तो स्क्वायर कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए की होल स्क्वायर नहीं कर सकते, हाँ जी यस सर यस, आपको पता है कॉस स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल लिया है साइन ए, साइन ए अरे कर दिया यस सर, यहाँ से कॉस से प्लस ये भी हो गया साइन ए, कॉस स्क्वायर साइन ए क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर, अरे नहीं समझे क्या, यस सर समझ गई फ्रॉम इक्वेशन वन, और जो बच्चे कनेक्टेड है उनको क्लियर है जी, बोलो सर हम इसमें कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर वाली आगे प्लस, क्या कह रहे हो आप सर, हम इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हैं अगर हम कॉस स्क्वायर ए को चेंज ना करेंगे तो, इसमें यस सर हम कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसमें इसमें यस सर, कैसे बच्चे इसमें शायद नहीं लग पाएगा, अच्छा ये नहीं इसमें होल स्क्वायर है इसलिए नहीं लगा सकते, क्लियर है सिर्फ सर, इतना होता कॉस ना, क्या कह रहे हो फिर से बोलिए सर, कॉस फोर ए जो होगा वो साइन स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा ना, तो सर इसमें फॉर्म कॉस फोर ए, हाँ वही किया मैंने, वही किया साइन स्क्वायर ए, यही तो हुआ कॉस स्क्वायर ए साइन ए है, उसकी स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, यही कह रहे हो ना, हाँ बोलिए मुझे आप एक बार, थर्ड स्टेप में आपने साइन ए में कन्वर्ट करा है कॉस स्क्वायर ए को, तो सर हम इसको चेंज ना करके कॉस स्क्वायर ए ही रहने देंगे तो सर वो उसका वन हो जाएगा, इसका वन कैसे होगा, जैसे मान लो ये कॉस स्क्वायर ए छोड़ दिया हमने, नहीं
और ये है आपका, अब बताना यहाँ क्या करना क्या है, अब बताइए आप मुझे, यहाँ बताइए क्या करूँ अभी आगे। प्लस आपकी आवाज कट कट के आ रही है मुझे बीच में, कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिखूं? सर इसको कॉस स्क्वायर ही दे देंगे, इसको यही लिखा हाँ इधर, प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको साइन स्क्वायर ए लिखूं? यस सर। अच्छा सिर्फ इसे बदल दिया आपने, ये कह रहे हो, अच्छा अच्छा ओके, तो इसको हम कॉस स्क्वायर ए को, यहाँ से आप कह रहे हो कॉस स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए ऐसे? यस सर। ओके लेकिन आप जो है ना फिर ये वन आपको प्रूव, आप कह रहे हो इसे वन प्रूव कर देंगे, ओके हाँ यार एक्सलेंट, बहुत बढ़िया, ये तो दूसरा मेथड इन्होंने बता दिया, एक्सलेंट वेरी गुड। बादाम खाई हो क्या आज? सही दिमाग yes, लगा दिया यार, हाँ खाई है, चलो हाँ ये और इन्होंने कमाल कर दिया, तो पहले कमाल वाली चीज कर लेते हैं फिर थोड़ा, मेरा वाला थोड़ा कम कमाल था, इनका ज्यादा कमाल लग रहा है मुझे, ये डायरेक्ट वही आइडेंटिटी लगा दिया, एक्सलेंट यार। चलो तो दोनों समझ लेते हैं, ये वाला देखते हैं, इनका वाला तो बहुत आसान है, हाँ ठीक कह रहे हो, ये तो सीधा आंसर आ गया, तो इन्हीं का वाला कर देता हूँ, ज्यादा आसान है, मेरा वाला बाद में कर लो आप, क्योंकि मुझे जो है वही वाला एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि मैंने भी वैसे ही किया थोड़ा सा। कौन सा वाला? ये ज्यादा आसान है, ये ज्यादा आसान है। अच्छा चलो मैं, कोई बात नहीं, एक्चुअली मेरे पास जो है ना ये ऑलरेडी एक वैल्यू गिवन था तो मैं वही यूज कर लेता डायरेक्ट, मैंने भी थोड़ा सा वैसे ही किया था, लाइक साइन इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, लेकिन ये जो है ना, हाँ कोई बात नहीं मैं समझा रहा हूँ, लेकिन ये कमाल है, यही है मेन पढ़ाई, आप समझ लो ये वाली चीज, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये हम करते हैं ये, चलो दोनों करते हैं, पहले ये देखो यहाँ, आप जो चाह रहे हो पहले वो देखो, मुझे दूसरे मैंने फोन से जॉइन किया, एक बार अंदर ले लो। चलिए कोई नहीं, पहले ये कह रहे हैं तो इन्हें कर देते हैं ये, चलो कॉस स्क्वायर है, और आपने तो कमाल कर दिया यार, आपने तो डायरेक्शन ही बदल दिया क्वेश्चन का, अर्पिता यस सर, हाँ मजा आ गया मुझे, मतलब इतना मजा आ गया कि बता ही नहीं सकता आपको, भाई साहब ऐसा कुछ कमाल होता है ना, मतलब आपको सिंपल साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिख रहा है, मुझे तो पता नहीं क्या क्या आपने दिखा दिया, वेरी गुड नाइस। चलो इधर देखो आप, तो कॉस स्क्वायर है, यहाँ मैंने इसी वैल्यू को, क्योंकि मुझे दिख रहा था ये सेम वैल्यू यहाँ पे पॉसिबिलिटीज थी, तो मैं उस डायरेक्शन से आगे बढ़ रहा था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर बताओ, कॉस स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर साइन ए लिख सकते हैं, ये तो साइन ए हो गया और इसके ऊपर स्क्वायर है, अब आपको पता है साइन ए की स्क्वायर लिखा नहीं जाता, उसको लिखा ऐसे जाता है साइन स्क्वायर है, और ये हो गया आपका, अच्छा यहाँ से भी तो आ गया, यस सर, अरे यहाँ से भी आ गया, अच्छा आप ही वाला यूज हो गया, चलो बढ़िया कोई बात, यही आप कहना चाह रहे थे क्या? यस सर, हाँ बात एक ही हो गया, चलो हाँ आपका वाला ही हो गया, कोई बात नहीं, तो कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है वन आ गया, और हमें वन ही है, ठीक है आंसर हमारा, देखो ऑप्शन भी है क्या, वन है, यस सर, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो वन हो जाएगी। अच्छा एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीका भी यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, वो देखो डिफरेंट जो करने वाला है वो क्या है, वो देखो ध्यान, कंफ्यूज तो नहीं होंगे आप, सेकेंड मेथड, अरे क्लियर है, बोलो ये कहाँ से आया, yes, रीजन लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, तो यही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन हो गया। देखो एक डिफरेंट मेथड क्या हो सकता है वो देखो, आपके पास क्या पता है, आपके पास पता है साइन ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, ये तो पता है आपको, मान लो ये, और आपको इसकी वैल्यू कह रहा है निकालने को, ध्यान से देखना, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस फोर ए, कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए, अरे बोलो, यस सर, यस सर, हाँ ओके, इसको हम साइन ए लिख सकते हैं क्योंकि कॉस स्क्वायर साइन ए के इक्वल है, अरे है क्या, बोलो yes, sir. और इसे क्या लिख सकते हैं हम, कॉस फोर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए की होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बोलो यस yes, सर, अब देखो ये तो साइन ए है बट कॉस स्क्वायर ए क्या है, कॉस स्क्वायर ए साइन ए है, अरे है क्या, बोलो yes, sir.
कॉस स्क्वायर ए जो है वो खुद भी साइन ए है और उसके ऊपर स्क्वायर है तो एक और स्क्वायर लगा दूं। अरे क्लियर है क्या? एक और स्क्वायर लगा दिया। अब देखो ये क्या बन गया, साइन ए प्लस साइन ए की स्क्वायर को लिखने ये लिखते हैं और इसकी वैल्यू गिवन है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए वन होता है। अरे होता है? यस सर, ये तो ऑलरेडी गिवन है वन, ये और यहाँ से यहाँ तक वन गिवन है, वन गिवन है। अरे समझ गए? यस गिवन है कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए ये वन होता है, गिवन है। क्लियर है क्या? बोलो। यस सर। हैंड्स प्रूफ। तो एक इनका कमाल का तरीका, एक ऐसे भी, तो ये आप कर लें, मेरे ख्याल से ये ज्यादा इजी है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, एक बार रुक जाओ, हाँ पहले ले लो, एक बार रोक देता हूँ फिर।